ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਆਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मामला अमृतसर का जिथे एक नौजवान लड़की ते गोली चलाई गई है। मामला पुरानी रंजिश का दस्या जा रहा है। क्या है कि पिछले समय लंबे समय तो लड़की नूं नौजवान दे वल्लों परेशान किया जा रहा सी। तो उसके दादा लड़की के दादा वल्लों जड़िया सारी जानकारी जी दी गई कि लड़की जोड़े नौजवान सी मोटरसाइकिल से सवार होकर आए तो घर की घंटी जी उन्होंने बजाई, बैल बजाई तो लड़की ने दरवाजा खोलिया तो उस दौरान उन्होंने नौजवानों ने लड़की ते हमला कर दिता, गोली चला दी। तो परिवारक मैंबरों का कहना है कि पिछले काफ़ी समय तो लड़की को तंग परेशान किया जा रहा सी। तो गोली चलन तो बाद लड़की गंभीर जख्मी हो गई तो उसनू अमृतसर के हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। उधर पुलिस दे वल्लों मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पिछले काफ़ी समय तो लड़की को तंग परेशान जड़ा किया जा रहा सीगा। पिछले काफ़ी समय तो लड़की का जोड़ा है इन्होंने कहा जा रहा है कि पुरानी रंजिश का यह मामला है। वो तो पुरानी डिटेल तुरी आती है ना, पहला है कि एक दूजे का फेर होंगे। मुड़ के जो इन्हें शर्तों का रिस्पोंस करना तो मुड़ के वो बाद होर वल्गर हैबिट्सां करन लग पिया। हुण जाके घर समझाउण लगे अपने मां इन्हां नूं डक लो, ईवन कि उन्हां डकन की बजाय सगों की हल की इधर साढ़े मुंडे नूं साढ़े बच्चे नूं कुड़ी दे पिओ नूं असीं क्यों असीं मांग करदे आं। जिहड़े ये सारा टब्बर जिहड़ा है कि नहीं बहुत गंदा टब्बर है। ये आप ही कई वारी पुलिस तो सस्पेंड होया। मैं तो हुणे रिसेंटली पिंडों आ रहा जी। मैम की सारा मामला होया जी, जेड़ा इत्थे गोली चली है जी, एक इंसीडेंट रिपोर्ट होया कि इत्थे गोली चली है फ्रेंड्स एवेन्यू प्लाजा रोड ते। आपां मौके ते पहुंचे हैं जिथे अमोलदीप कौर नेम की कुड़ी है जिन्होंने दो एक्यूज्ड जिहड़े बाइक ते आए सीगे, बाइक सवार सीगे, जिन्हां वालों कहंदे कि शॉट किया गया। इस टाइम वो अमनदीप हॉस्पिटल एडमिट है तो आपां वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जिद्दां की जो भी गल सामने आएगी वी आर डिटेल। पहला भी FIRs वगैरह हुई पर वो इस चीज़ नाल लिंक करती है। लड़की को अस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया। तो पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करके जांच जड़ी है शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है कि आखिर पूरा मामला की सी। पर परिवारक मैंबरों का कहना है कि लड़की को काफ़ी लंबे समय तो तंग परेशान किया जा रहा सी। तो नौजवानों के वलों तो नौजवान दो मोटरसाइकिल से सवार होकर आते हैं तो उन्होंने हमला लड़की पर हमला कर देते हैं। लड़की गंभीर जख्मी होती है तो उस तो बाद जड़ा आ लड़की को हॉस्पिटल दे विच दाखिल करवाया जाता है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ हॉस्पिटल दे विच जड़ाया दाखिल करवाया जाता लड़की ने। इस पूरे मामले से साढ़े सहयोगी जसबीर साढ़े नाल जुड़ चुके हैं, उन्होंने जानकारी लवेंगे। तो जसबीर, परिवारक मैंबरों का कहना है कि पुरानी रंजिश का मामला लड़कियों के वलों परेशान किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। कि पूरा मामला तो अपडेट की है, इस पूरे मामले के कुछ निकल के सामने आया कि आखिर सच्चाई की है? देखो कल जरा शाम की घटना है जो कि ये लड़का जरा लड़की नूं फोन करके उत्थे बुलांदा और ये घर वाले के मुताबिक की पुरानी रंजिश है, लेकिन ये कितने कितने कुछ जरा पूरा मसला उलझदा होया नजर आ रहा है। लड़का जरा लड़की नूं पहले फोन करता बुलांदा तो उस तो बाद कहा सुनी तो बाद गोली मार के सीधा उसकी जी हत्या करने की कोशिश करता है। लड़की नूं जो गोली लगती है तो उस तो बाद उसनूं अमनदीप हॉस्पिटल के इलाज लई जरा भर्ती करवाया जाता है, लेकिन जिस ढंग के नाल लड़के वालों गोली मारी जाती है उस तो बाद उतों फरार होया जाता है। तो कितने ना कितने गल दे संकेत ने कि दाल दे विच कुछ काला है, कुछ होर गल जिहड़ी है वो हले तक जिहड़ी है सामने तो नहीं आई, लेकिन किते ना किते शंका ये कीती जा रही है कि लड़का लड़की दे नाल प्यार करदा सी और किसी गल नूं लैके आपस दे विच इन्हां दे रिश्ते दे विच किते ना किते खटास सीगी ते और परिवारिक मैंबरां दे विच भी किते ना किते इस गल नूं लैके किते ना किते आपस विच मतभेद बनिया होया सी। पर जिस ढंग दे नाल ये भी कहा जा रहा है कि जिहड़ा नौजवान जिसने गोली मारी है वो पुलिस मुलाजम का बेटा दस्सिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इन्हां दे आपस दे विच कुछ रिलेशन दे विच कुछ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? देखो पुलिस वालों हले किसी भी चीज की कोई पुष्टि नहीं की गई। पुलिस के मुताबिक जो भी बंदी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके उत्ते की जाएगी, लेकिन फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेट के विच कई पहलू सामने आ रहे हैं और पुलिस सूत्र भी दसदे ने कि जिस ढंग दे नाल ये जिहड़ा लड़के वालों लड़की नूं मारन की कोशिश की गई है तो किते ना किते इस गल नूं लैके आपस दे विच कोई मतभेद बनिया होया सी, जिस नूं सुलझाउण की कोशिश करन दी इन्हां दोनों वालों प्रयास किया गया, पर जिहड़ा है इन्ना ज़्यादा उलझ गया मामला कि लड़के वालों गुस्से दे विच आके लड़की दे उत्ते गोली चला दी गई। फिलहाल ये मामले को लेके पुलिस जी हाले तक खुलासा तो नहीं कर रही, लेकिन इन्वेस्टिगेट की गल कही जा रही है कि पूरी बरीकी के नाल जांच की जा रही है, जांच तो बाद ही जो पहलू है वो दसे जाएंगे। जी जी तो बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर जी जानकारी देने लिए। पूरे मामले से अमृतसर घटना घटी है, एक लड़की नूं शरेआम गोलियां मार दित्तियां गई।